हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूं आपके लिए आज कुछ वैकेंसीज लेकर के। मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त नौकरी चाहते हैं, पर होता क्या है हमारे साथ, हम जॉब इजीली कर नहीं पाते हैं। हमें मार्केट में जॉब नहीं मिलती है, हमें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं और उसके बाद हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमेशा की तरह मैं ये बात आपसे जरूर शेयर करूंगा इस वीडियो में कि जो भी वैकेंसीज मैं आपको बताता हूं, इन वैकेंसीज में मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। मेरी ये वैकेंसीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं ताकि मैं इस देश में से, इस समाज में से बेरोजगारी को खत्म करने में अपना एक अहम रोल अदा कर पाऊं। मेरी कोशिश रहती है कि सभी को कहीं ना कहीं रोजगार दिला पाऊं। मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी मेरा भाई बहन दोस्त भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं रोजगार जरूर मिलना चाहिए। और हमेशा की तरह आपसे एक बात मैं ये भी शेयर करता हूं कि प्लीज गलत कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत फंसा करो। बहुत सारे आप भाई बहन दोस्त 5-5 हजार 10-10 हजार कंसल्टेंट्स को देकर के आ जाते हो एडवांस में, उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है। मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त उस चक्कर में कंसल्टेंट्स के आगे पीछे घूमते हैं, उनके चक्कर मारते हैं, उनको कॉल्स करते हैं, उसके बावजूद उनकी नौकरी नहीं लगती है। और होता क्या है कि आपकी कॉल्स भी पिक नहीं की जाती हैं और लास्ट में हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो मेरे बहुत भाई बहनों दोस्तों के साथ एक गलत काम भी हो जाता है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके करियर को बर्बाद किया जाता है। हम बनना अकाउंटेंट चाहते हैं, हमारी रेलेवेंसी अकाउंटेंट की होती है और बना हमें क्या दिया जाता है, रिसेप्शनिस्ट। हम बनना इंजीनियर चाहते हैं, हमारी रेलेवेंसी इंजीनियर की होती है और हमें बना क्या दिया जाता है, टेलीकॉलर। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, आप वो मत करो जो दुनिया आपसे कराना चाहती है। ये नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप कोई भी नौकरी कर लेंगे। जस्ट सबसे पहले अपना पैशन देखा करो, आपका जो पैशन है उसी की तरफ जाओ। अगर आप अपने पैशन को देखोगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी और आपके मतलब की नौकरी जरूर मिलेगी। और हां, जो भी वैकेंसीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लगता है आपने 5 दिन देखा, 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, आपके मतलब का कुछ नहीं आ पा रहा है, तो आप एक काम जरूर किया कीजिए, मेरे इन वीडियोज में, मेरे इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोज होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज भी बनाऊं। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा पैशन होता है जिसको हम बाहर निकालना नहीं चाहते या हम निकाल ही नहीं पाते हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। कुछ लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, बने बिजनेस के लिए होते हैं, उसके बावजूद वो जॉब में जा रहे होते हैं। मैं ऐसी रिसर्च करके, बुक्स पढ़ के ऐसे बिजनेस के बारे में बताता हूं जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी कारोबार कर सकते हैं या फिर लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी कारोबार कर सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखा कीजिए, हो सकता है आपके मतलब का कुछ निकल आए, हो सकता है आपका पैशन बाहर निकल आए। अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर जरूर कर दिया करो। हो सकता है आपके शेयर से किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्त को रोजगार मिल जाए, हो सकता है आपके शेयर से किसी की जिंदगी बन जाए, हो सकता है आपके शेयर से किसी की जिंदगी बच जाए, हो सकता है आपके शेयर से कोई 2 वक्त की रोटी का मुताज है तो उसको 3 वक्त की रोटी मिल जाए सिर्फ आपकी वजह से। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, हो सकता है किसी की जिंदगी बना पाओ और आपको दुआ मिलेगी उसके बाद। और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको क्या करना है, इन जॉब्स के लिए मैं आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं क्योंकि कई बार कुछ लोग वीडियो मेरा ये 15 दिन के बाद देखते हैं, पहली बार देखते हैं, महीने के बाद देखते हैं और इतने में ये जॉब फिल आउट हो जाती है और आप उस पर कॉल करते हो तो सामने वाली कंपनी इरिटेट भी हो सकती है। तो आपको लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम नंबर
9888-33-006 पर एक हेलो सेंड करनी है। आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक मोबाइल ऐप टेलीग्राम इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने मेरा फोन नंबर 9888-33-006 शेयर करना है। 68 सेव करने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम पर हेलो सेंड करना है। जैसे ही हेलो सेंड करेंगे मेरी तरफ से आपको एक लिंक आएगा। लिंक आने के बाद आपको वैकेंसीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी जिनमें डायरेक्ट फोन नंबर्स होते हैं, डायरेक्ट ईमेल आईडीज भी होती हैं। और एक और बात, कई बार कुछ फोन नंबर्स हो सकता है गलत निकल आए, क्योंकि मेरे पास दूर दूर से फोन आते हैं, एम्प्लॉयर्स के फोन आते हैं, तो जैसी वैकेंसी आती है तो मैं पोस्ट कर देता हूं, तो कई बार बाद में पता लगता है कि वो भी एक कंसल्टेंट था। और अगर कंसल्टेंट था और आप उनको कॉल करते हो और अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपने एडवांस में किसी को नहीं देना है। और आपसे एक और बात भी शेयर करूंगा, कुछ लोग मेरे नाम पर आपसे पैसे मांग सकते हैं, बट आपसे मैं सिर्फ एक ही बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं कभी भी जॉब्स के लिए, इन प्लेसमेंट्स के लिए किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी एडवांस या कोई भी लास्ट में पैसा, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज मैं नहीं लेता हूं। मेरी ये वैकेंसीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मेरी ये वैकेंसीज सोसाइटी के लिए बिल्कुल एक सेवा रहती है। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं, जस्ट आप सबके लिए, मेरे भाइयों के लिए एक हेल्प रहती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज की वैकेंसीज ये रही, तो आज की वैकेंसीज रहेंगी दिल्ली की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त दिल्ली में रहते हैं, उन सब के लिए आज की ऑप्शंस रहेंगी। दिल्ली में हमें एक आर्किटेक्ट फॉर्म में कुछ कैंडिडेट्स चाहिए जिनको ऑटो कैड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑटो कैड आपको 2D 3D दोनों अच्छे से आती होनी चाहिए। टाइमिंग्स एंड सैलरी दोनों जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पर। उसके बाद हमें एक कंपनी में ऑनलाइन बिडर चाहिए या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव चाहिए। जो कैंडिडेट है वो प्रोफिशिएंट होना चाहिए इन प्रपोजल राइटिंग, कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए उसका बिटवीन डेवलपमेंट टीम्स एंड लीडर्स, जो भी है क्लाइंट्स हैं इन सब के साथ एक अच्छा रिलेशन बना करके रखना होगा। जो कैंडिडेट है उसको फ्रीलांसिंग चैनल की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 से 2 साल का। अगर मैं की स्किल्स की बात करूं तो यहां पर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको स्पेशली ऑनलाइन बिडिंग करनी पड़ सकती है, इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कैंडिडेट शुड हैव मस्ट बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बहुत अच्छे स्किल्स होने चाहिए। 20,000 सैलरी कंपनी की तरफ से यहां पर आपको मिल जाएगी अगर आप फ्रेशर हो तो। एक्सपीरियंस आपको पता ही है, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उस हिसाब से सैलरी मिल जाती है। अगर मैं बात करूं यहां पर कैंडिडेट की, तो कौन सा चाहिए, मेल कैंडिडेट चाहिए। इसमें आपको जो काम करना पड़ सकता है शिफ्ट वाइज भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा हमें एक कंपनी में सेम SEO और PPC के लिए कुछ लोग चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिनको डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमें एक कंपनी में हार्डवेयर एंड नेटवर्क ट्रेनी के लिए कुछ कैंडिडेट्स चाहिए जिनको हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की अच्छी सी नॉलेज हो। जो कैंडिडेट है उसको माइनर नेटवर्किंग अच्छे से आती होनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी है, लाइक लिनक्स में है, कोई भी हार्डवेयर इश्यूज हैं वो सारे उसको अच्छे से आते होने चाहिए। उसकी जो नॉलेज है हार्डवेयर को लेकर के या फिर सॉफ्टवेयर को लेकर के बहुत अच्छी होनी चाहिए। असेंबलिंग डिसअसेंबलिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सैलरी की अगर बात करूं तो यहां पर आपको 13,000 पर मंथ मिल जाएगा और कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट 1 आवर की आपकी एक्टिविटी रहेगी वीकली एक बार, रोटेशनल वीक आपका ऑफ रहेगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ संडे, रोटेशनल वीक का मतलब होता है कि कभी आपको मंडे भी छुट्टी मिल सकती है, कभी आपको थर्सडे भी छुट्टी मिल सकती है, ऑल डिपेंड्स, इसको कहते हैं रोटेशनल वीक। इसके अलावा कैब फैसिलिटी, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में कैब फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, मतलब लेने के लिए कंपनी आएगी पर छोड़ने के लिए कंपनी नहीं जाएगी, वापिस आपने खुद जाना होगा। उसके बाद हमें एक कंपनी में कुछ मैनेजमेंट ट्रेनीज चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी जो होते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर MBA वगैरह कुछ ऐसा कुछ कर रखा हो।
कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, सैलरी यहाँ पर 20,000 मिल जाएगी। ये वैकेंसी जो है एक कंपनी में है। इसी तरह से इसी सेम कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए जिसने बीकॉम कर रखी हो, बीबीए कर रखी हो, या एमकॉम कर रखी हो, या फिर एमबीए कर रखी हो। इसमें टाइमिंग्स जो है वो डिस्कस किए जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पर, और सैलरी अगर यहां पर बात करूं तो 22,000 पर मंथ मिल जाएगी। ऐसे ही एक कंपनी में हमें बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव चाहिए। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जिसने बीकॉम कर रखी हो, बीबीए कर रखी हो, एमबीए कर रखी हो, एमकॉम कर रखी हो, ऐसा कुछ कर रखा हो। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसके अलावा हमें एक कंपनी में SEO सोशल मीडिया के लिए या डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं उसके लिए ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर लाइन से हो, चाहे वो BCA हो, MCA हो, है ना। तो इस तरह का हमारा एक कंप्यूटर लाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, और अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज दिल्ली को लेकर के। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त दिल्ली में रहते हैं उन सब के लिए आज की वैकेंसीज थी। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके शेयर से हमारे किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्त को जॉब मिल जाए। और वो करो जो आप करना चाहते हो। लोग आपके आइडिया को गलत बताते हैं, गलत ही बताएंगे, पर आप वो करना जो आप करना चाहते हो। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को गलत साबित करके दिखाओ। समझे? थैंक यू सो मच। मुस्कुरा